one fine day I got an ad with Virat Kohli. That was my first ever on screen project. Yeah, आप एक selfie भी है आपके Instagram पे. अरे वाह आपने देखा. So वो ad मेरी पहली, that was my first ever on screen project, Colgate की ad थी. And this story, like I don't know if a lot of people know about it. A day before that ad, I met with an accident in Churchgate. So I was crossing the road. Actually, I got a call from the costume stylist. सीधा costume stylist को मेरा number चला गया था. मुझे casting director से confirmation मिली नहीं. Hi Mir, we need your measurements. You are selected for the ad. I was like, okay. I'm in bunk bed में सो रहा हूँ. I was like, okay. I'll send it to you now. So I was running to a nearby gym and in Churchgate, and a bike came and it hit me. So अभी भी मैं अगर town आता हूँ ना कभी भी, डर रहता है हमेशा मुझे. मतलब अब तो मुंबई में जब भी रोड क्रॉस करते हो एक ऐसे फ्लैशबैक्स आ जाते हैं यार. इट वाज सो, आई वाज क्राइंग नॉट बिकॉज़ ऑफ द पेन, बट नॉट बिकॉज़ ऑफ द पेन कि यार कल आर्ट छूट जाए, बस इसलिए मैं रो रहा था. व्हेन द बाइक केम एंड इट हिट मी, आई फेल्ट अनकॉन्शियस ऑन द रोड. MRI CT स्कैन से हुआ. मतलब लोग शुगर केन वाले जो होते हैं ना जूसेस, वो जगह जगह लगे रहते हैं मुंबई में, तो वो मुझे ले गए हॉस्पिटल में एंड वहाँ मुझे होश आया एक्चुअली. So I was, जब आया तो मैं रो रहा था कि कल मेरा ad है please, and my right hand was fractured और कल shoot है और batting shots करने. वाह मतलब. तो मैंने डॉक्टर को बोला कि please अब मत करो, and I won't tell anyone in the shoot कि मेरा हाथ fracture है, कि पहला ad है. You know, fear of losing that project, fear of losing work. I had to like bear the pain, and मैंने किसी को बताया नहीं. तो he gave me a lot of painkillers and he said कि it's risky, plaster तो करना होगा, so just come after 24 hours. जैसे ad shoot खत्म हुआ, I rushed to the doctor and I got my hand plastered and I didn't tell anyone. तो अभी भी अगर आप ad देखो ना, last में जो comeback shot है ऐसे Colgate, it's more like, so you can see, अब मैं आपको बता दिया तो मेरा हाथ टूटा हुआ है, अब आपको पता चल जाएगा. अब इमराव जान जाना. But ये अब मैं बोला इतना, तो आपका हाथ fracture हुआ था. हाँ. तो how did you act मतलब? यार बहुत पेन किलर्स लिए मैंने और इंजेक्शंस दिया था डॉक्टर ने. और वो लास्ट शॉट में, जो लास्ट शॉट हो रहा था एड का विराट के साथ, उसमें ना वो आने लग गया सब. मतलब वो सारे स्टमक पे आ गया उसका इन्फेक्शन पेन किलर्स का. सो वो पेन हो रहा था मुझे, आई वाज स्माइलिंग Colgate सुपरफ्लेक्स थी. सो यू कैन सी दैट नाउ सिंस आई हैव टोल्ड यू. सो या बहुत, मतलब आई एम ग्लैड आई डिड दैट शूट, क्योंकि उसके बाद मुझे फिर एक जर्नी शुरू हो गई. अगर वो नहीं करता क्या पता दूसरे ऐड नहीं मिलता. क्योंकि आप जब भी कहते थे ना, हमेशा मैं ऑडिशंस के लिए जाता हूँ, कुछ चल रहा है कुछ चल रहा है, तो हमेशा पूछते थे कि पहले क्या किया है, पहले एक्सपीरियंस क्या है, शेयर योर वर्क लिंक्स. यार कभी तो कोई फ्रेशर होगा ना, उसके बाद वर्क लिंक्स आएगा. वर्क दो तो वर्क लिंक्स आएगा. ये मुझे समझ नहीं आता कि भाई एक्सपीरियंस बता, बट अगर कोई अपॉर्चुनिटी देगा तो उसके बाद तो बनेगा, उसके बाद आपका वर्क लिंक्स बनेगा. सो आई वाज ग्लैड कि एक वर्क लिंक मेरी बनी. चलो ये एड में सबको भेजता हूं विराट कोहली. हां फिर उसके बाद मुझे एड्स मिले, एड्स बहुत सारे किए. And फिर सुपर 30 मेरी फिल्म थी पहली. फिर हाँ करते करते कैरेक्टर रोल्स बहुत सारे. बट विराट सर को पता था सेट पे कि आपका हाथ? नहीं नहीं नहीं, he just got married actually. उनका 5 दिन पहले उनकी शादी हुई थी 2017 जुलाई में. 2017 मार्च में ही शूट हुआ था. सो आई थिंक उस दौरान ही उनकी शादी हुई थी 2017 में. आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट डेट, बट हाँ. तो ऑफ कोर्स मुझे, मैंने उनको कंग्रेचुलेट किया उसे वो सबके लिए, बट ज्यादा बात भी नहीं कर पाया क्योंकि आई वाज सो इनटू दिस पेन. या कि मैं कुछ किसी से बात भी नहीं कर पाया. योर आइडल इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू एंड आई कुडंट इवन एंगेज अ कन्वर्सेशन विद हिम. सो दैट वाज रियली या बट उनके साथ कुछ कन्वर्सेशन हुआ कुछ भी सेट नहीं हो पाया. मैं सोचा था कि बाद में करूंगा जब शूट हो जाए, बट सीधा आई हैड टू रश टू द हॉस्पिटल बिकॉज सब कुछ स्टमक पे आ गया था इफेक्ट. बट या आई अगेन शॉट विद विराट नाउ अभी फॉर एन एड. हां लाइक लास्ट ईयर एक्चुअली फॉर एन एड अगेन. So then I told him and I showed him the picture. He was like, oh yeah, you were there, I remember. और तब भी आपने बताया कि नहीं story actual वाली? तब मैं उनको बताया, शायद नहीं, नहीं बताया. उनका time नहीं होता ना set में, नहीं, उनको नहीं पता. I hope ये video उनको तक पहुंचे अभी और आपकी story पता चले. Yeah.